कविता क्या कहलाता है मैं आप देखेंगे कि अक्षरा को होश आ जाता है और अभिमन्यु अक्षरा के होश में आते देख वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ दूसरे डॉक्टर आते हैं तो अक्षरा कहती है कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आई, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। वहीं अक्षरा सोचती है कि उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर रोहन ने किया है। जब डॉक्टर रोहन अक्षरा के पास आते हैं तो अक्षरा डॉक्टर रोहन का थैंक यू बोलती है और कहती है कि आप हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। वहीं रोहन भी अक्षरा को बता नहीं पाता है कि उसकी जान अभिमन्यु ने बचाई है। वहीं बाद में अक्षरा को पता चलता है कि उसकी जान अभिमन्यु ने बचाई है तो अक्षरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और डॉक्टर अक्षरा को बताती हैं कि अभिमन्यु की हालत कितनी ख़राब हो गई थी और डॉक्टर कहती हैं कि मैंने आज तक अभिमन्यु की ऐसी हालत नहीं देखी है, वो तुम्हें ऐसे देख कर सहम गए थे। डॉक्टर कहती हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उनकी अजीब ही हालत हो गई थी। अक्षरा ये सब सुनकर रोती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि अभिमन्यु मुझसे इतना प्यार करते हैं। वहीं अभिमन्यु अक्षरा के सामने नहीं जा पाता है और कहता है कि मैं किस मुंह से अक्षरा के सामने जाऊं, मैंने उसको इतनी बातें सुना दी हैं। पहले अब देखते हैं कि क्या अक्षरा और अभिमन्यु फिर से एक हो पाते हैं या नहीं। तो अपकमिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।